जय हिंद दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप 2024 का जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ और पता लगा कि इस वर्ल्ड कप में 8-10 नहीं बल्कि पूरी 20 टीमें खेल रही है, तो कुछ क्रिकेट फैंस का कहना था कि क्यों मजाक बना दिया इस वर्ल्ड कप का आपने, आखिर करना क्या चाह रहे हैं आप, क्या बताना चाहते हैं दुनिया को स्कॉटलैंड, ओमान, युगांडा जैसी टीमों को खिलाकर, क्या होगा ऑस्ट्रेलिया के सामने जब वो खेलेगी, क्या होगा जब इंडिया की गेंदबाजी और पाकिस्तान के पेस अटैक का वो सामना करेगी। लेकिन टूर्नामेंट के शुरू होने के साथ ही उन टीमों ने कहा कि रुकिए, हमारे हाथों में भी हथियार है, हम यूं ही खेल देखने नहीं आए हैं, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे 2024 का वर्ल्ड कप उलट फेरों से भरा हुआ है। तो वर्ल्ड कप के शुरुआत में जब यूएसए का पाकिस्तान से मैच हुआ और पाकिस्तान ने 160 रन का ठीक ठाक टारगेट दिया था यूएसए के विकेटों को देखते हुए, और पाकिस्तान की उस पेस बैटरी के आगे जिसमें चार वर्ल्ड लेवल के गेंदबाज हैं उनके पास, सोचा नहीं था पाकिस्तान ने कि यूएसए चेज कर जाएगी इस स्कोर को, और पहले उलटफेर का शिकार हुई पाकिस्तान। खैर पाकिस्तान के बारे में तो लोग ये कह देते हैं कि चलो ये तो टीम ही ऐसी है, हारती है तब किसी से भी हार जाती है, जीतती है तब किसी को भी हरा देती है, इनको जीत के मुंह से हार छीनना आता है। लेकिन न्यूजीलैंड ऐसी टीम जो पिछले 8 ICC टूर्नामेंट्स के नॉकआउट में पहुंची है, 15 और 19 के ODI वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है, टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, वो टीम अफगानिस्तान से हार गई और वो भी बड़े अंतर से, और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मैच में 90 रन हो गए थे स्कॉटलैंड के बगैर विकेट गंवाए, वो तो भलाओ बारिश का वरना हो सकता पता लगता कि इंग्लैंड भी हार गई। और वही नहीं थमा ये सिलसिला, बांग्लादेश ने, और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका, बांग्लादेश ने श्रीलंका को भी हराया। खैर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो वर्ल्ड कप है वो उलट फेरों से भरा हुआ है। वर्ल्ड कप के जो शुरू के राउंड है वो आधे दौर तक पहुँच चुके हैं, और अचरज नहीं होना चाहिए अगर यूएसए अंदर आ जाए पाकिस्तान बाहर हो जाए, अगर अफगानिस्तान अंदर आए न्यूजीलैंड बाहर हो जाए, पता चले स्कॉटलैंड अंदर आ गई इंग्लैंड बाहर हो गई, उलट फेरों से भरा वर्ल्ड कप। क्या लग रहा है आपको बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कारण क्या है। मुझे जो लगा कि शायद कंडीशन को नहीं भांप पाई टीमें, लीगों में जो 250-60 रन बनाने की आदत थी वो लेके गई थी और वहाँ विकेट मिल गए उल्टे सीधे, और जो सामने वाली टीम है उनके पास होने के लिए कुछ है नहीं है, और बगैर दबाव के आदमी कितना अच्छा कर सकता है उसका सबूत तो मिल ही गया आपको।